हेलो गाइस, फिर से एक नए ब्लॉग पर आपका स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो वेंटिलेटर्स की जो भी मैंने पिछले जो भी कई सारे वीडियोस ऑलरेडी हमने दिए हैं, उस वीडियो में हमने वेंटिलेटर्स कैसे बनाते हैं और किस तरह से उसको बनाकर उसे डाइस से निकाल कर रखते हैं, इन सब के बारे में ऑलरेडी हमने बात किया है और पूरी डिटेल में हमने वहाँ पर दिखाया भी है कि कैसे ये सब होता है। तो आज की वीडियो में फिर से हम आपको कुछ और चीज़ें दिखाने वाले हैं और कुछ ऐसे वहाँ पर हम बातें करने वाले हैं जो शायद आपको इस बिज़नेस से संबंधित कुछ वहाँ पर आपका नॉलेज मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पर जो जो सीमेंट प्रोडक्ट्स होता है, इसका डाइस होता है, जैसे कि वेंटिलेटर्स का, इसके बाद जो पिलर है उसका, तो इन सब का एक डाइस होता है। ये डाइस को खरीदना ही मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये डाइस जल्दी मिलता नहीं है, जिसकी वजह से आप ये बिज़नेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। वहीं पर अगर हम सीमेंट की बात करें तो सीमेंट जो होता है ये आपको हर जगह मिल जाएगा, हर बाजार में मिल जाएगा, आपके पास नज़दीक भी मिल जाएगा, लेकिन जो डाइस होता है ये डाइस नहीं मिलता है। इसलिए डाइस के लिए आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है, जैसे कि बिहार, पटना या फिर कहीं और बाहर, मुंबई या फिर गुजरात में या फिर राजस्थान में, इस तरह के जो स्टेट है या फिर वहाँ पर आपको इस तरह के डाइस वहाँ पर आपको मिल जाता है, लेकिन वहाँ से लाना, इंपोर्ट करना भी बहुत ही मुश्किल और परेशानी का काम है। तो इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं, आपका जो नज़दीकी जो भी कारपेंटर है आप उसे पकड़ सकते हैं और उसे एक अच्छी डिज़ाइन देकर उनसे आप ट्राई करवा सकते हैं कि वो बनाए, और उससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे बनेगा या फिर नहीं बनेगा। अगर कारपेंटर बता सकता है या फिर बना लिया तो आपको वहाँ पर एक डाइस बनाने के लिए एक अच्छा आदमी मिल जाएगा, जिससे आप डाइस भी बनवा सकते हैं और आप अपना काम जो भी बिजनेस है आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि यहाँ पर कौन कौन सा डाइस है और आप कैसे उसे बना सकते हैं या फिर आप बनवा सकते हैं या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे यहाँ पर जो सीमेंट के प्रोडक्ट इसे बनाते हैं और कैसे जो वेंटिलेटर से इसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि ये देखिए, ये है क्या, इसमें सीमेंट और बाली है जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाया गया है, ये बिल्कुल सूखा है। इसे इसलिए रखा गया है कि जिससे कि जो डाइस में जो भी मसाला जो दिया जाता है उसमें मतलब गीला गीला होता है, जिसे सुखाने के लिए ये जो मसाला है ये उसमें देना पड़ता है। ये जो मिक्सर है इसमें सिर्फ सीमेंट है और इसमें बाली और कुछ भी इसमें नहीं मिलाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बनाकर रखा गया है। वहीं पर अगर हम दिखाएंगे तो इसमें जो है इसमें पानी मिक्स किया गया है, ये थोड़ा गीला गीला है, जैसे आप देख सकते हैं नज़दीक से देखिए, ये इसमें पानी मिक्स किया गया है, तो ये ज़्यादा मतलब गीला गीला नहीं है, इसको भी थोड़ा सूखा रखना पड़ता है, जिससे मतलब इसमें पानी नहीं निकल रहा है। इसे भी बनाते वक्त ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि ज़्यादा गीला ना हो, अगर गीला हो गया तो इसमें फिर से सूखा बाली या फिर सीमेंट इसमें मिक्स करके इसे भी कुछ इस तरह से रखना पड़ता है। वहीं पर नंबर थ्री में देखिए, आपको यहाँ पर ये जो देखिए एक एक गुल्ला है, इसमें सिर्फ सीमेंट है और पानी है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसमें मतलब सीमेंट और पानी को अच्छी तरह से घुलना पड़ता है, घुलने के बाद बाल्टी में रखिए। इसे क्या करना है हम आगे दिखाएंगे आपको वीडियो में कि इससे क्या होता है। वहीं पर ये जो मसाला है, ये जो मिक्सर है, इससे क्या होता है। वहीं पर जो सूखा जो मिक्सर है इससे क्या होता है, इस बारे में भी हम दिखाएंगे। वहीं पर देखिए यहाँ पर काम चल रहा है, तो हम आपको शुरुआत से दिखाते हैं कि इसके बाद यहाँ पर ये देखिए, ये और एक गोला है, इसमें क्या है कि जो केरोसिन है, केरोसिन और इसके बाद और क्या है भाई, मोबिल, जो जला हुआ जो मोबिल है, ये दोनों इसमें मिक्स किया गया है। इन दोनों को यहाँ पर ये सबसे पहले इसमें उसको मिक्स लगाना पड़ता है, जैसे कि तेल का जैसा, ये तेल है, ऑयल है, इसे यहाँ पर लगाना पड़ता है डाइस में। तो आप देख सकते हैं कि डाइस में ऑलरेडी लगाया गया है। उसके बाद जो ये सीमेंट का जो गुल्ला है उसे भी यहाँ पर देना पड़ता है, तो इस गुल्ला को यहाँ पर डाइस में देना है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ कि इसमें कैसे देना पड़ता है और क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए ये गुल्ला देने के बाद, उसके बाद जो मिक्सर है, ये मिक्सर को देखिए, मिक्सर को इसमें किस तरह से इसमें दिया जाएगा। ये जो वही मिक्सर है जो पानी में इसको मिक्स किया गया था, सीमेंट और बाली से ये दोनों को पानी देके मिक्स किया गया था, थोड़ा सूखा सूखा रखना होता है इसमें, तो उसी को अभी गुला के बाद इसमें डाइस में उसको फिलअप करना है। तो ये भी इसे देखिए ज़रा इसे इस तरह से हिलाकर उसको एडजस्ट करना पड़ता है, जिससे कि अंदर तक पहुँच पाए, वरना क्या होता है कि जब आप डाइस से जब निकालते हैं जब वेंटिलेटर्स को, तो इतना अच्छा उसका जो डिज़ाइन है या फिर जो उसका फिनिशिंग है उतना अच्छा नहीं आएगा। और यहाँ पर भी देखिए जो इस तरह से उसको एडजस्ट किया जा रहा है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर देखिए एक जो
पतला जो तार होता है ये तार भी उसके अंदर देना पड़ता है जिससे ये अच्छी तरह से उसको पकड़ पाए, वरना अगर आप कोई तार या फिर बिल्कुल भी कुछ नहीं देंगे तो जैसे ये सूखेगा या फिर थोड़ा भी इसको ठेस लग गया तो ये तुरंत के तुरंत टूट जाएगा। तो ये तार देने से क्या होता है कि ये अच्छी तरह से उसको पकड़ के रखता है, क्योंकि बहुत ही पतला होता है तो पतला होने की वजह से टूट सकता है, इसलिए इसमें इस तरह के तार देना चाहिए। उसके ऊपर से आप फिर से देख सकते हैं कि जो भी उसका मिक्सर था, ये मिक्सर से उसको फिर से उसको डाइस में भरा जाएगा। भरने के बाद उसको अच्छी तरह से फिनिशिंग दिया जाएगा ऊपर, और उसे अच्छी तरह से एडजस्ट किया जाएगा, हो सके तो उसे फिर से इस तरह से ठोका जाएगा। उसको अच्छी तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा, पूरी तरह से भरने के बाद देखिए इस तरह से उसे ठोका जाएगा। इससे क्या होता है कि मतलब जो भी इसमें मिक्सर दिया गया ये अंदर तक पहुंच पाए, कोने कोने तक पहुंच पाए, उसका जो फिनिशिंग है ये अच्छी तरह से निकल के आएगा। इसके बाद जो इसका स्केल है, स्केल से उसको जो भी एक्स्ट्रा है उसे वहाँ से निकाल लेना है। देखिए ये जो लकड़ी का था ये एक्चुअली इसका स्केल है, उससे पूरा जो एक्स्ट्रा जो था वो भी उसे निकालना था। तो आप देख सकते हैं उसके बाद ये देखिए यहाँ पर जो सूखा वाला जो रखा गया था जो सीमेंट और बालू का, उसे यहाँ पर अभी इसके ऊपर भर देना है। इससे क्या होगा कि जो गीला गीला जो भी मिक्सर दिया गया था उसका जो भी पानी है ये सूखा वाला जो मिक्सर है ये सोख लेगा, और जो मतलब आसानी से उसको निकालने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए ये सूखा देने के बाद पहले से इसको देखे रखा गया था, तो अभी इसमें फिर से दिया जाएगा पूरी तरह से, जो भी पानी है उसका सब ये मसाला ये मिक्सर जो है ये सोख लेगा। तो इस तरह से पूरा देने के बाद उसके बाद फिर से उसको स्केल से जो भी एक्स्ट्रा है उसको निकाल लेना है। ठीक है, ये देखिए ये इस तरह से निकाल लेने के बाद अब उसको क्या करना है, उसको थोड़ा फिनिशिंग करना है। हाँ, तो ये जो इस तरह से उसको पूरा फिनिशिंग करना है। तो कैसे फिनिशिंग करेगा ये देखिए, ये उसको इस तरह से फिनिशिंग देना है। अब इसको क्या करना है, अब इसको चलिए देखते हैं, इसको डाइस से निकालना है। तो निकालने के लिए यहाँ पर जो रूम है इसका अंदर में, इसका अंदर ये देखिए यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे यहाँ पर निकाला गया है, और अभी ये देखिए इसको डाइस से इस तरह से निकाला जाता है। ये देखिए ये निकल गया। चलिए हम देखते हैं आगे यहाँ पर और कौन कौन सा यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है, या फिर जो ये है दरअसल 786, ये वही बेंडिल्टर्स है जो अभी वर्तमान में अभी अभी जो इसे निकाला गया था डाइस से वही वाला है। उसके बाद यहाँ पर देखिए और भी है, आप इस डिज़ाइन को भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये फिर से एक 786 है। उसके बाद यहाँ पर फिर से देखिए ये जो है ये मयूर का है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से ये और एक नया डिज़ाइन ये भी आया, फिर 786 से फिर से वही डिज़ाइन है। यहाँ पर भी देखिए और भी है, यहाँ पर भी 786 आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी फिर से देखिए मयूर भी है। इसके बाद ये और एक डिज़ाइन है, ये भी बिल्कुल उसकी उसी तरह सेम ही सेम है। ये देखिए यहाँ पर फिर से मयूर है, यहाँ पर देखिए फिर से मयूर है। इसके बाद फिर से और एक डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर से यहाँ पर डिज़ाइन, यानी कि ये सभी आज सुबह ही इसे सुबह ही इन सबको आज बनाया गया था, और यहाँ पर सभी को एक एक करके यहाँ पर रखा गया है। ये इसलिए रखा गया कि अभी दरअसल इसे सिर्फ डाई से निकाला गया है, अभी भी गीला है, सूखा नहीं है, जिसकी वजह से इसे अंदर रखा गएगा। अगर इसे बाहर रखेंगे तो कुछ ना कुछ या फिर गाय बकरी भैंस कुछ भी इसके ऊपर पैर रख सकता है, जिससे ये जो डाई है ये जो बैंडिलीटर है ये ख़राब हो जाएगा, और फिर से इसे बनवाना पड़ेगा या फिर उसे फेंकना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर रखा गया, जब ये थोड़ा बहुत मजबूत हो जाएगा, थोड़ा बहुत सूख जाएगा, तब इसे यहाँ से निकाल कर धूप में रखा जाएगा, जिससे और अच्छी तरह से ये सूख जाए और इसको जो बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो और देखिए यहाँ पर फिर से और एक लेके आ गया, यहाँ पर फिर से और एक यहाँ पर डाइस से निकाला जाएगा वेंटिलेटर्स को, इस तरह से यहाँ पर पहले लीटर्स को। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर इसे रखा गया। तो यहाँ पर दरअसल ये जो जगह है यहाँ पर सिर्फ
वेंटिलेटर्स को रखा गया है। यहाँ पर देखिए बहुत सारा, ये सभी को आप जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सभी डाइस ही है, और ये डाइस को खरीदना ही बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये डाइस मिलता नहीं है जल्दी। इसके लिए आपको बहुत ही दूर से कांटेक्ट करना पड़ता है, वहाँ पर उनसे खरीदना पड़ता है। खरीदने में भी बहुत ही ज़्यादा आपका पैसा फ्रॉड होने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि ना पहचान है ना किसी को पहचानते हैं। पैसा अगर भेज दिया यहाँ से, तो फिर आपका पैसा तो जिसे भेजा जाएगा वो तो रिसीव कर लेगा, लेकिन डाइस को फिर से आपका आपके पास भेजेगा या फिर नहीं भेजेगा। इस तरह के मतलब बहुत सारे परेशानी होते हैं, जिसके वजह से ये डाइस मिलना मुश्किल हो जाता है और ये बिजनेस स्टार्ट भी नहीं होता है। इसलिए इसके लिए आपको डाइस खुद से बनवाना पड़ेगा, या फिर अगर हो सके तो किसी अच्छे अगर कारपेंटर है तो उससे बनवाइए इस तरह के डाइस, और फिर आप सोचें कि आगे क्या करना है या फिर नहीं करना है। हालांकि सीमेंट और बाली जो है ये आपको मिल जाता है, लेकिन जो डाइस है ये मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी और भी है, यहाँ पर रखा गया है, ये तो थोड़ा ढक दिया गया है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे और किस तरह के जो भी वेंटिलेटर्स है उसे यहाँ पर बनाया जा रहा है। ऑलरेडी हमने वेंटिलेटर से संबंधित कुछ वीडियोस दिए हैं अपने चैनल पर, अगर आप नए हो चैनल में तो आप देख सकते हैं उन वीडियोस को जाकर, क्योंकि हम वहाँ पर इस तरह के वीडियोस ऑलरेडी दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि कैसे है क्या है, तो आप उस वीडियो को देखिए, आपको भी बहुत कुछ वहाँ से जानने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि ये है उसका मिक्सर, और अभी ये देखिए इसका नाम है अमित, अभी अमित इसको फिर से लेके जाएगा और वहाँ पर जो रखा गया है उसे ये डाइस से उसे निकाल देगा। तो देखिए चलिए हम अमित की जगह पर जाते हैं और यहाँ से थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि ये जगह कैसा है और यहाँ पर कैसे उसको रखा जाता है। तो देखिए दरअसल ये एक टेबल का जैसा बनाया गया है, ठीक है, नीचे दो कुआं का रिंग है और उसके ऊपर ये जो स्लैब है इसे रखा गया है, और उसके ऊपर यहाँ पर उसका जो भी सामान, जैसे कि यहाँ पर सूखा वाला जो मिक्सर है, यहाँ पर केरोसिन और जला मोबिल का जो मिक्सर है, इसके बाद यहाँ पर पानी रखा गया है इसमें बोतल में, इसके बाद यहाँ पर जो गुल्ला है इधर मिक्सर है, यहाँ पर भी उसका जो पानी से गुला हुआ मिक्सर है। तो ये दो लड़का है यहाँ पर, दोनों लड़का यहाँ पर, दोनों लड़का मिलकर यहाँ पर जो उसका डाइस में, डाइस से यहाँ, डाइस की मदद से यहाँ पर बना रहा है। और नीचे देखिए ये जो तार है ये वही तार है जो वेंटिलेटर्स में दिया जाता है। तो चलिए हम वीडियो में यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।